नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज झारखंड में बस एक ही खबर की चर्चा है, पूजा सिंघल, पूजा सिंघल, पूजा सिंघल। लेकिन आखिर पूजा सिंघल है कौन सी बला? आखिर पूजा सिंघल में ये वो कौन सा मैजिक है कि जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे उनकी भी करीबी रहती है और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं इनकी भी करीबी है। आखिर पूजा सिंघल में ऐसा कौन सा जादू है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विभाग के सारे महत्वपूर्ण ओहदे एक जो लेडी है पूजा सिंघल के पास रखते हैं, चाहे वो खनन विभाग की सचिव हैं, वो उद्योग विभाग की सचिव हैं, वो झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन हैं। तो पूजा सिंघल कौन है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि पूजा सिंघल के सीए के यहाँ से 17 करोड़ रुपए बरामद हो गए और सीए ने स्वीकार कर लिया कि ये रुपए पूजा सिंघल के थे। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि उनके जो पति हैं अभिषेक झा, उनके पास से 1,80,00,000 रुपये बरामद हुए हैं। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि पूजा सिंघल के जो पीए हैं उनके यहाँ से भी 4 करोड़ रुपये बरामद होने की सूचना है। ये तो घटनाएँ हैं, लेकिन पूजा सिंघल को समझने के लिए एक एक करके घटनाएं देखिए कि उनके जीवन में क्या क्या कुछ चला और आखिर पूजा सिंघल कहां से चली थी और आज वो अकूत संपत्ति की मालिक कैसे बन गई। पूजा सिंघल के बारे में पहले व्यक्तिगत जीवन थोड़ा बता देते हैं कि जब वो राहुल पुरवार की पत्नी थी और जो अभिषेक है इनसे उनकी दूसरी शादी है। अभिषेक झा के जो पिता थे कामेश्वर झा, बताया जाता है कि वो हजारीबाग में समाज कल्याण पदाधिकारी थे, तो उस वक्त पूजा सिंघल वहाँ की डीसी हुआ करती थी और उस वक्त भी ये घोटाले घपले की चर्चा आई थी लेकिन वो दबा दी गई। आज जब छापेमारी हुई और मधुबनी में जब उनके ससुर पकड़े गए तो कहा जा रहा है कि जो अवैध संपत्ति कामेश्वर झा के यहाँ मिली वो पूजा सिंघल की ही संपत्ति है। पूजा सिंघल के बारे में मैं बता, जब ये खूंटी में थी तो वहाँ मनरेगा में करीब 18 करोड़ रुपए का घपला हुआ था और एक जेई थे राम विनोद सिन्हा। जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मेरे तो हैं ही नहीं साहब, ये तो मैडम को पहुँचाने थे और मैं पकड़ा गया। हालांकि राम विनोद सिन्हा जेल गए, उनका क्या हुआ वो एक अलग प्रकरण है। दूसरी बड़ी घटना है कि जब ये चतरा और पलामू में थी, जब चतरा में ये थी तो 2007 से जून 2008 तक ये उपायुक्त थी वहाँ की। आरोप है कि दो एनजीओज थे वहाँ पे, एक वेलफेयर पॉइंट और एक प्रेरणा निकेतन। इन दो एनजीओज को इन्होंने 6-6 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए और दिए क्यों? मूसली की खेती के लिए। वो खेती कभी हुआ नहीं, ये आरोप भी लगा। कुछ नहीं हुआ पूजा सिंघल को। पूजा सिंघल जब पलामू पहुँची तो इन पर आरोप है कि इन्होंने करीब 83 एकड़ वन भूमि को एक निजी कंपनी के हाथों में दे दिया खनन के लिए। वो खनन कभी हुआ नहीं। फिर उस निजी कंपनी ने उस 83 एकड़ ज़मीन को बिरला को दिया, बिरला ने वहाँ क्या किया, ये आरोप पर भी पूजा सिंघल को कुछ नहीं हुआ। पूजा सिंघल इस तरह सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चलती रही। उसके बाद आती है सेक्रेटरी, जब ये बनी तो आपको याद हुआ कि रघुवर दास के समय मोमेंटम झारखंड हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा हालांकि आरोप लगाता है कि मोमेंटम झारखंड के वक्त बहुत बड़ा घपला हुआ, घोटाला हुआ, लेकिन केंद्र बिंदु में यही पूजा सिंघल थी। कई विदेश दौरे जो मोमेंटम झारखंड के किए जा रहे थे, आपने देखा होगा पूजा सिंघल को कभी स्पेन में, कभी स्विट्ज़रलैंड में, कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में। और कहा जाता है कि ये उस वक्त रघुवर दास के बेहद करीबी थी। सरकार बदली, दूसरे दल की सरकार आई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर पूजा सिंघल को बुलाते हैं और जो 3 सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं मुख्यमंत्री के पास, खान, उद्योग और झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये तीनों में लगभग ऑल इन ऑल पूजा सिंघल थी। आज जब पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा तो आपको याद होगा कि एक शॉर्ट वीडियो से मैंने कहानी बताई थी कि कैसे 2 आईएएस अफसरों के ईगो की लड़ाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंस रहे हैं। उस दिन ही मैंने बताया था कि ये पूजा सिंघल है और पूजा सिंघल के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। तो उसी वक्त से इनके बुरे दिन शुरू हुए। इन
अलर्ट जो कहते हैं ना, वो समाचार प्लस ने दर्शकों को पहले ही कर दिया था कि कहाँ ये राजनीति जाने वाली है। और ईगो की लड़ाई आप याद रखिएगा, आज जब पूजा सिंघल के यहाँ छापे मारी हुई, तो आप ज़रा बताइए कि आप आज़ाद भारत के इतिहास में आपने कभी भी ऐसा देखा है कि किसी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी के यहाँ छापेमारी चल रही हो और छापेमारी के दौरान ही खबरें ब्रेक भी हो रही हैं, खबरें ब्रेक भी हो रही हैं कि इनके यहाँ से इतना बरामद हुआ, इनके सीए ने ये स्वीकार किया, कामेश्वर झा गिरफ्तार हो गए, 3 ट्रंक मंगाए गए, उनमें पैसा डाला जाएगा, पैसों की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टाफ मंगाए गए, बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ मंगाए। आपने कभी ऐसा सुना है क्या पहले पूरे देश में कहीं भी? इसके पीछे की कहानी और राजनीति 3-4 लाइन में आप समझिए। जिस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में लैंड करते हैं, 5:30 के करीब होंगे सुबह, वो बिना कारकेड के अकेले ही ड्राइव करके एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास आते हैं, और ठीक उसी वक्त 5 बजे के आसपास ही पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी का छापा होता है। छापेमारी की खबरें मीडिया में आती हैं। आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है कि ये क्या कुछ चल रहा है झारखंड में? और जो हमारे पास खबर है वो ये है कि सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं, कुछ और ऐसे अफसर, उनमें 2-4 IAS अफसर भी हैं और राज्य सेवा के अफसर हैं जो कि वर्तमान सरकार के करीबी हैं, उनकी फाइलें भी खोली जा रही हैं। नाम लेने के लिए मैं ले सकता हूं कि वंदना डाडेल हों, के रवि हों, प्रशांत कुमार हों, ये सब सेक्रेटरी रैंक के IAS अफसर हैं। निगरानी ने इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी थी 2015 में ही, वो फाइल धूल फांक रही थी, आज उन फाइलों को झाड़ पोछ कर निकाला गया। तो आप इंतज़ार कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड में धमाका होगा, 10 से 15 तारीख के बीच एक और बड़ा धमाका होगा। उस धमाके के अपडेट के लिए आप समाचार प्लस जरूर देखते रहिए।